हेलो एवरीवन, वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से वाईफाई स्टडी यूट्यूब चैनल पर, विच इज़ अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। और मैं आप सभी की रीजनिंग मेंटर रितिका तोमर एक बार फिर से आप सभी के साथ यहां पर लाइव जुड़े हुए हैं आप सभी के फेवरेट सेशन में, फेवरेट क्लास में। सो वेरी वेरी स्पेशल गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग एवरीवन। सेशन को लाइक शेयर कर दो, उसके बाद स्टार्टिंग करते हैं। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग गाइज, गुड इवनिंग। चलिए रेडी, सभी लोग रेडी हो, स्टार्ट करें। हाँ ओके, अब लास्ट में बात करते हैं। सही है भैया, अब लास्ट में बात करना, सब लोग बातचीत बंद कर दो, लास्ट में बात करिएगा आप सभी लोग, ठीक है? अभी के लिए थोड़ा शांत हो जाओ, लास्ट में बात करिएगा। चलिए सबसे पहले तो सेशन को लाइक शेयर कर दो आप सभी लोग, जितने भी लोग देख रहे हैं जल्दी से सभी लोग सेशन को लाइक शेयर कर दीजिए। इसके बाद से स्टार्टिंग करते हैं, आज थोड़ा सा कैलेंडर का समझते हैं बेसिक्स, ठीक है? ठीक है, कैलेंडर का थोड़ा सा बेसिक्स देखते हैं आज हम लोग, है ना? बट आसान से इजी तरीके से अपन सॉल्व करेंगे तो सबसे बनने लगेगा, ऐसा कुछ टफ नहीं, आराम से बन जाएगा। पहले तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल नोट डाउन कर लो, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उसको ज़रूर नोट डाउन कर लीजिए, जिससे आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाए, इस क्लास के बाद भी जो क्लास होती है उसका भी नोटिफिकेशन, जितनी भी क्लासेस हमारी चल रही हैं या फिर वो अनअकैडमी पे होती हैं या यूट्यूब पे, सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है, इसी टेलीग्राम पे। तो इस टेलीग्राम पे ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए टाइम से हर क्लास का, ठीक है? ओके, तो सारे लोग फटाफट से जो है इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, ठीक है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ भी सकते हैं आप लोग। चलिए, अच्छा टाइमिंग्स जो है ना वो ये लिखी हुई है इसी चैनल पर, जो हमारी टाइमिंग्स होती हैं क्लासेस की वो ये लिखी हुई हैं। 9 बजे रात को टाइमिंग रहता है अभी वाले में, सुबह भर रहता है 9 बजे 10 बजे, 9 बजे रात को, सुबह में 10 बजे, ठीक है? अच्छा एक चीज़ और, अभी अनअकैडमी पे जो क्लासेस चल रही हैं टॉपिक वाइज, जिनको भी पढ़ना हो अनअकैडमी पर डेली फ्री क्लासेस रहती हैं तो आप लोग पढ़ सकते हो, सुबह में 11 बजे, शाम में 4 बजे, रात में 10 बजे इसी के बाद, और 11 बजे फिर उसके बाद स्पीड वाली क्लास। तो स्पीड बढ़ानी हो रात के 11 बजे, टॉपिक्स पढ़ने हो इसी के तुरंत बाद 10 बजे क्लास रहती है। कोड अगर पूछे तो रितिका 10 लगा सकते हो, क्लास बिल्कुल फ्री है, ठीक है? और मेरा नाम सर्च करके भी डायरेक्टली आप इन सभी क्लासेस में जुड़ सकते हैं, ये सभी आपकी ऐप की फ्री क्लासेस हैं। तो जितने भी लोग अनअकैडमी ऐप पर पढ़ना चाहते हैं पढ़ सकते हैं, वहाँ पर पढ़ने के लिए बार बार इसीलिए बोलती हूँ, यहाँ पर आप पढ़ो बिल्कुल एनर्जेटिक तरीके से, मैं पढ़ाती हूँ यहाँ भी वहाँ भी, बट वहाँ आपकी स्पीड इंक्रीज़ होती है, वो आपको खुद पता चलेगा जब आप क्लास अटेंड करोगे, ठीक है? तो सभी लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। जो अनअकैडमी वाली हमारी क्लास है इसी के तुरंत बाद, उसका लिंक भी यहाँ पर ऊपर लगा दिया जाता है ताकि आप लोगों से कभी मिस ना हो। दिख रहा है सभी को लिंक? तो ये लिंक जो दिख रहा है इस पर क्लिक करके आप लोग डायरेक्टली इसके बाद वाले क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि आपकी अनअकैडमी पर होगी इसी के तुरंत बाद, ठीक है? चलिए अभी रेडी करें, स्टार्ट करें, कैलेंडर का थोड़ा सा देखें। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं। बाकी मैंने बताई दिया आपकी जो अगली क्लास है उसके लिए भी आप रितिका 10 कोड लगा सकते हो, और हमारे किसी भी कोर्सेज पे ज्वाइन करने के लिए फॉर 20% डिस्काउंट आप लोग रितिका 10 कोड लगा सकते हैं, कॉइन्स के साथ यूज़ करिएगा तो 20% से भी ज़्यादा का डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है? चलिए अब बातचीत थोड़ा सा बंद करें, स्टार्ट करें। फिर मत कहना कि मैम बाद में समझ में नहीं आया था हमें, क्योंकि बात कर रहे थे हम लोग, तो अभी पहले हम लोग पढ़ाई कर लेते हैं बाद में बातें करेंगे। तो सबसे फर्स्टली आप लोग ये थोड़ा सा बेसिक्स नोट डाउन कर लीजिए भाई, कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, है ना? कैलेंडर में क्या क्या चीज़ें होती हैं बेसिक्स आप लोग नोट डाउन कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं। बताओ हो गया? राम राम, गुड इवनिंग, श्री गणेश। चलिए जल्दी जल्दी स्टार्ट करें। चलो भाई, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले डे देखो, वीक देखो, है ना? मंथ देख रहे हो आप लोग, कौन से महीने में कितने दिन होते हैं ये आपको पता होना चाहिए, कौन से महीने में जनवरी में, फरवरी में, मार्च में कितने डेज होते हैं ये सबको पता होना चाहिए, ठीक है? ईयर साल है हमारा, तो एक साल में 365 दिन, 366 दिन, शताब्दी वो होती है जो 100 साल में एक बार आती है, ठीक है? हाँ चलो, अच्छा एक चीज़ सबसे पहले आप लोग पता कैसे करोगे कि कौन सा नॉर्मल ईयर है या कौन सा लीप ईयर है, किस साल में 365 है, किस साल में 366 दिन है। जैसे मान लो ये है हमारा, बताओ भाई ये कैसे पता करोगे आप ये लीप ईयर है या नहीं? लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, नॉर्मल में 365, लीप ईयर में फरवरी 29 दिन की हो जाती है, एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है हमारे पास, क्योंकि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, 4 सालों में एक दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाता है, तो हर 4 साल के बाद लीप ईयर आता है। तो पता कैसे करोगे 2023 लीप ईयर है या नहीं, कैसे पता करेंगे बताइए?
बताइए, ये चार से डिवाइड करके देख लो और आखिरी की दो संख्याओं को ज़रूर देखो। 23 कभी चार से डिवाइड नहीं होता, यानी ये लीप ईयर नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, 23 कभी भी चार से डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये नॉर्मल ईयर है, लीप ईयर नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, ये नॉर्मल है, अगर चार से डिवाइड होगा तो लीप ईयर है, अदरवाइज लीप ईयर नहीं है। ठीक है, अगर चार से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर है, वरना नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो ये हमारा नॉर्मल है, पता हम ऐसे करेंगे। ठीक है, अच्छा ये बताओ भैया, नॉर्मल है या लीप ईयर है, क्या बताएंगे इसमें? 1996 नॉर्मल है या लीप ईयर, देख के बताना है बस। अगर ये देख के नहीं बता पा रहे हो तो फिर आगे का सवाल हमसे नहीं बनेगा, इसलिए ये सवाल देखना ज़रूरी है, ये करना क्वेश्चंस को ज़रूरी है। ठीक है, चेक करिए क्या है इसका आंसर, ये लीप ईयर है या नहीं, बताओ चेक करके। हो गया, 1996 चार से डिवाइड हो जाता है, बिल्कुल। और इसी में आपके फरवरी में कितने दिन होंगे, 29 दिन भी होंगे, ये भी पता चल जाएगा हमें। ठीक है, बाकी 30 और 31 का तो आपको पता ही है कौन से में कितने दिन होते हैं, ये सबको मालूम होगा। ठीक है, ये लीप ईयर है, चार से डिवाइड होगा। अब इस पूरे चैप्टर में हमें ऑड डेज निकालने होते हैं। अब ये ऑड डेज क्या होता है भाई, हिंदी में बोलते हैं विषम दिन, हिंदी में बोलते हैं विषम दिन। ठीक है, या फिर बोलते हैं शेष दिन, या एक्स्ट्रा डेज भी बोलते हैं, है ना, अतिरिक्त दिन भी बोलते हैं, कई सारे नाम है। कैसे निकालते हैं कोई बताएगा मुझे, ऑड डेज कैसे निकालते हैं, अगर हमें ऑड डेज निकालने के लिए बोल रहा है तो कैसे निकालेंगे? इवनिंग चल रहा है यार, मॉर्निंग तो नहीं चल रहा, इवनिंग चल रहा है। ठीक है, हाँ इस देश में, भारत में तो इवनिंग ही चल रहा है अभी, मॉर्निंग तो नहीं चल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा आँखें खोलो, है ना, खिड़की से बाहर झाँको जरा, मॉर्निंग नहीं है, इवनिंग चल रहा है। शेष दिन डिवाइड बाई 7 करके हम निकालते हैं, 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा वो शेष होगा, 7 से डिवाइड करके जो भी रिमाइंडर बचेगा, शेषफल बचेगा, उसी को हम लोग ऑड कहेंगे, यानी बचा हुआ दिन कहेंगे। ठीक है, बाकी के 7 दिन हमारे 7 से ही क्यों डिवाइड करते हैं, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, वो 7 हमारे हफ्तों में कन्वर्ट हो जाएगा और जो बचेगा वो हमारा, जैसे मान लो मैंने कहा 22 दिन है, तो बताइए शेष दिन कितने होंगे, 22 दिन में शेष दिन कितने होंगे, 22 दिनों में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी बताइए, 22 दिनों में शेष दिनों की संख्या कितनी होगी, चेक करिए। अब देखो यार, 7 से डिवाइड करके कट गया, जो 7 से उसको काट दो, 21 कट गया, एक बचा, 21 कट गया, एक बचा, जो बच रहा है वही होगा। ठीक है, वही आपका शेष दिन है, जो बच रहा है वही शेष दिन है। ठीक है, सपोज दैट मैंने कहा 65 दिन है, 65 दिन में कितने शेष दिन होते हैं बताइए, 65 दिनों में कितने शेष दिन होते हैं, ये बेसिक सीख लोगे ना तो फिर आ जाएगा क्वेश्चन करना, क्वेश्चन बनने लगेगा फिर, बेसिक सीख लोगे तो। हो गया, तो देखो 63 कट गया 7 की टेबल में, 2 बचे शेष। अब देखो मैं बड़ा बड़ा सॉल्व करना सिखा रही हूँ, जो आप लोग से थोड़ा बनता नहीं है, फिर आप लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा आपके पास लिखा है 22 प्लस, ठीक है 15, है ना, प्लस मान लीजिए लिखा है 43 लिखा हुआ है, प्लस आपका लिखा हुआ है मान लो 23, और डिवाइड बाई 7 करना है। ठीक है, ये अभी हम आगे जब क्वेश्चंस करेंगे तो अभी तक कितने शेष दिन होंगे बताओ, इस वाले में कितने शेष दिन होंगे, 7 से डिवाइड करना है, निकालना है शेष दिन, तो इस वाले में कितने होंगे बताइएगा। ठीक है, क्योंकि आप लोग इसमें फिर कंफ्यूज हो जाते हो कि मैम आपने कैसे किया सॉल्व, ये हमें बना नहीं, तो चेक करिए ज़रा कैसे करेंगे इसको, जल्दी करना थोड़ा सा। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, कैसे बनेगा इसका बताइए, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। हो गया, देखो आप लोग एक तरीका आप लोग क्या अपनाओगे कि सबको जोड़ोगे फिर 7 से डिवाइड करोगे, उसमें टाइम वेस्ट होता है, मैं शॉर्ट तरीके से बता रही हूँ, शॉर्ट तरीका फॉलो कर लो, जोड़ने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाता है, फिर डायरेक्ट काटो, 7 से जो कट रहा है उसको काट दो, जो बच रहा है उसको लिख लो बस। ठीक है, अलग अलग सीधे सीधे, यानी 22 में से 21 चले गए, एक बचे, 14 चले गया, एक बचा, 7 6 42 चला गया, एक बचा, और यहाँ 21 चले गए, 2 बचे, कितने बच रहे हैं आपके पास टोटली, 5 बच रहे हैं, ऐसे करो, जोड़ने की जरूरत नहीं, टाइम वेस्ट हो जाएगा, 5 बच रहे कुल मिला के। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस पे 5 बचे। अब हम लोग क्वेश्चंस पे आ रहे हैं सीधे सीधे, जो मैंने बता दिया है वो सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो ऑड डेज को 7 से डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचता है वही ऑड डेज होता है, ये मैं बता चुकी हूँ।
ठीक है, लीप ईयर में आपके 366 दिन होते हैं, नॉर्मल में 365 दिन होते हैं, और नॉर्मल में 7 से डिवाइड करके एक शेष दिन बचेगा, लीप ईयर में 2 बचेंगे, याद कर लो इसको, बार बार निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मल ईयर में शेष दिन 1 होते हैं, लीप ईयर में 2 होते हैं, याद रहेगा ये वाला, याद रहेगा क्या ये वाला बताइए मुझे ज़रा, याद रहेगा सबको ये वाला? हो जाएगा ये वाला, इस पे तो किसी को कोई डाउट नहीं है ना, चले डन। हाँ ओके, नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अभी क्वेश्चंस पे आते हैं सीधे सीधे अपन, ठीक है। पहले टाइप के जो क्वेश्चंस हैं हम वो करेंगे, ये सारा हो चुका है। पहले टाइप का क्वेश्चन स्टार बना के आप लोग लिख लीजिएगा, ये पहले तरीके का सवाल है, चेक करो एक बार क्या आंसर आएगा इसमें, फिर अपन देखते हैं, ठीक है। हो गया, देखिए सबसे पहला तरीका है, चेक कर लो, लिख लो यहां पे, सेम डेट, फिर आपका अगर सेम मंथ भी हो, और अगर एक साल का गैप हो, अभी बहुत सारे साल का गैप होगा वो भी मैं करवा दूंगी, अगर एक साल का गैप होता है तो सबसे पहले आप ये चेक करो कि अगर नॉर्मल है तो एक जुड़ेगा। अभी पढ़ा था हमने कि नॉर्मल ईयर में एक जुड़ता है, लीप ईयर में 2 जुड़ते हैं, नॉर्मल ईयर है तो एक जुड़ेगा, अगर लीप ईयर है तो 2 जुड़ेंगे। चेक कर लो यहाँ पे सेम डेट तो है, सेम मंथ है, एक साल का अंतर भी, आगे की डेट पूछ रहा है, आगे के स्पेशली आगे की डेट पूछ रहा है तो प्लस करते हैं, पीछे की डेट पूछता है तो माइनस करते हैं। ये आपका लीप ईयर था इसलिए हमें प्लस 2 ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 2 जोड़ने पड़ेंगे, तो इसका आंसर बुधवार आएगा, मंगलवार वालों का थोड़ा गलत हो गया, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ओके, चेक करो क्लियर है इसमें कोई डाउट, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे तो बन जाएगा। हाँ वेडनेसडे इसका राइट आंसर है, वेडनेसडे इसका राइट आंसर है, ठीक है। सेम डेट सेम मंथ, एक साल का गैप हो तो एक जोड़ते हैं, लेकिन अगर बीच में लीप ईयर आता है तो 2 जोड़ते हैं, वरना एक ही जोड़ेंगे सिंपली तरीके से, ठीक है। पीछे की डेट निकालनी हो तो -1 और -2 रिस्पेक्टिवली, नॉर्मल के लिए -1, लीप के लिए -2, ठीक है, पीछे की डेट निकालनी हो तो, है ना। यहाँ पे आगे की डेट पूछा जा रहा था, जैसे कि ये वाला सवाल चेक करो, हाँ चेक करिए, इसमें लीप ईयर का पता चलेगा 4 से डिवाइड करके। स्टार्टिंग से क्लास अटेंड नहीं करते हो ना, इसीलिए दिक्कत होती है। अभी स्टार्टिंग से बताया था लीप ईयर का पता कैसे चलेगा, जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर है, अदरवाइज नहीं होता है लीप ईयर, अदरवाइज नॉर्मल है। इसलिए कहती हूँ टाइम से शुरू करा करो क्लास को, 9 बजे का टाइम रहता है क्लास का, हो गया। अब देखो भाई यहाँ पे पीछे की डेट पूछ रहा था, ठीक है, 2005 का दे रखा था और 4 का पूछ रहा है डेट, 4 को कौन सा था, तो एक साल पीछे जाना है, वो भी ये लीप ईयर है 2004, 4 से डिवाइड हो रहा है लीप ईयर, तो -2 करना पड़ेगा इसमें, मंगलवार में 2 कम कर दो तो आपका आंसर संडे आएगा इसमें, ठीक है ना। हाँ तो इसका आंसर संडे, क्लियर है। अभी कुछ और क्वेश्चंस करते तो और समझ में आ जाएगा, देख लेना बीच में लीप ईयर आना चाहिए तभी हो पाएगा, नहीं तो नहीं, ठीक है। बीच में अगर लीप ईयर इंक्लूडेड होगा तो ही कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, अभी आप लोग को और समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो आपसे कहा गया यदि 5 मार्च 2008 को ट्यूसडे था
तो आपको बताना है 5 मार्च, अभी अलग अलग डेट वाला भी करेंगे अपन, सारे करेंगे, 2009 को कौन सा दिन होगा चेक करिए भाई, बता सकते हैं क्या, बताएं जरा फटाफट से, हाँ चेक करके दिखाओ, तुम ही देख लो ना भाई चेक करके, मैं क्या दिखाऊँ चेक करके, तुम ही देख लो चेक करके, मैं क्या उसमें चेक करके दिखाऊँगी, तुम देख लो चेक करके, वैसे भी इसमें चेक नहीं कर सकते अपन, ये हाइपोथेटिकल है, ठीक है, रियल डेट्स नहीं है वो, जब अपन डेट वाला क्वेश्चंस पढ़ते हैं उसमें होता है, उसमें चेक कर सकते हैं, उसमें रियल डेट निकलते हैं, ये तो हाइपोथेटिकल है, 5 मार्च 2008 को मंगलवार था या नहीं पता थोड़ी हमें, वो तो हम लोग तरीका सीख रहे हैं कि अगर ऐसा सवाल आएगा तो कैसे करेंगे, ऐसा ही आता है पेपर में तो कैसे करेंगे, तरीका सीख रहे हैं, ये तो हाइपोथेटिकल है, रट्टा मार के थोड़ी आए कि 5 मार्च 2008 को ट्यूसडे ही होगा, कुछ भी हो सकता है, हो भी सकता है नहीं भी, तो ये हाइपोथेटिकल है, सपोज करना है, जस्ट सपोज, काल्पनिक तरीके से पढ़ रहे हैं, सिर्फ तरीका निकालना सीख रहे हैं, है ना, ओके हाँ, तो ये हम लोग रियल डेट नहीं निकाल रहे, अगर रियल डेट होता तो मैच करता, ये रियल डेट नहीं है, है ना, तो इसमें चेक करने की जरूरत नहीं है। चलिए 5 मार्च से आप लोगों ने शुरू किया है, देखो यहाँ से शुरू किया, यहाँ पे आके खत्म हो रहा है, ये भले ही लीप ईयर है लेकिन इसका लीप ईयर निकल चुका है, तो गलत आप लोग आंसर बता रहे हो, इसमें सिर्फ एक ही ऐड होगा, वेडनेसडे इसका आंसर आएगा, ठीक है, यही तो समझने वाली चीज़ें हैं, है ना, यही तो समझने वाली चीज़ है, 2008 तो था लीप ईयर, कन्फ्यूज़ करने वाली यही चीज़ है, लेकिन 5 मार्च से शुरू हुआ, जो फरवरी थी 29 वाली वो तो निकल गई, बीच में नहीं आई, इस एक साल के बीच में आनी चाहिए ना, इस एक साल के बीच में तो आई नहीं, स्टार्टिंग यहाँ से हुआ, यहाँ पे ख़त्म हो गया, एक जुड़ेंगे सिर्फ, दो नहीं जुड़ेंगे, सिर्फ एक जुड़ेगा यहाँ पे, ठीक है, ओके हाँ चल, अभी थोड़ा सा और पढ़ते हैं तो और समझ में आएगा, मान लो कि यहाँ पे 5 मार्च की जगह 5 फरवरी लिखा होगा तो अब बताइएगा, ठीक है, समझने की कोशिश करो, यही क्वेश्चन आते हैं और हम मात खा जाते हैं, इसका जवाब नहीं दे पाते, अभी रेलवे में यही वाले सवाल पूछे गए थे भर भर के, लेकिन हम लोग आंसर ही नहीं कर पाते क्योंकि हम ये छोटा सा सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझ ही नहीं पाते, है ना, हाँ बताइए जरा इसका क्या आंसर है, हाँ यही बात है जी, यही बात है भैया, यही बात है, बताओ बिना पेन के बताओ, ये सारे सवाल बिना पेन वाले हैं, पेन की जरूरत नहीं है इसमें, बिना पेन वाले सारे सवाल हैं, हो गया, 5 फरवरी से शुरू किया, 5 फरवरी के बाद इस 2008 की 29 फरवरी बीच में आएगी, जैसे ही 29 फरवरी बीच में आई सोई समझ लीजिए कि हमें दो जोड़ने हैं, तो अब की बार गुरुवार आंसर दोगे तो सही निकलेगा, हाँ अब की बार ठीक है आप लोगों का आंसर, वेरी गुड, एक और सवाल ट्राई करते हैं शायद बन जाए आप लोगों से, 15 अगस्त आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, 1988 को मंडे था, तो आपको बताना है 15 अगस्त 1989 को कौन सा दिन होगा या कौन सा दिन था, चेक करें, प्रणाम, गुड इवनिंग, प्रणाम, हो गया यार 15 अगस्त, तो ठीक है 1988 लीप ईयर होता है, 4 से डिवाइड हमने किया लीप ईयर है, लेकिन 15 अगस्त से शुरू किया, फरवरी कब का निकल गया, बीच में आया ही नहीं, तो एक ही जोड़ना था, सिर्फ एक जोड़ेंगे, जस्ट ओनली वन जोड़ेंगे, तो इसका ट्यूसडे आ गया, क्लियर है, अब मान लो यहाँ बहुत सारे साल का गैप होगा तब कैसे करेंगे मैडम, पेपर में तो बहुत सारे आते हैं, फिर क्या करेंगे मैडम, मान लीजिए ऐसा सवाल दिया गया हो, लिखते जाया करो स्टार लगा के अपनी कॉपी, अगर नोट्स बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बना रहे हो तो बनाना शुरू कर दो भाई, नोट्स बनाए करो, पेपर में फिर काम आते हैं लास्ट में कि मैम ने ऐसे पढ़ाया था ये वाला, ठीक है, चलो बताओ, अब बहुत सारे साल का गैप आएगा तो कैसे करेंगे मान लीजिए, और अलग अलग डेट्स होगी तो कैसे करेंगे, वो भी बताऊँगी, पहले इसको चेक कर लो, थैंक यू दुष्यंत कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच, हो गया,
अब हमने देखा डेट सेम थी, मंथ सेम था, लेकिन मैम ने कहा था एक साल का गैप होता है, तब वो वाला बताया था मैम ने। अब इसमें बहुत सारे साल आ गए बीच में, तो क्या करें? तब फिर हम क्या करते हैं, देखिए हमने पिछले वाले में भी पहला वाला कभी लेते ही नहीं है, अगले साल की बात है ना, एक ही साल को कंसिडर करते हैं, अगले साल को या तो प्लस वन करते हैं या प्लस टू करते हैं, पहला वाला कभी नहीं लेना है, ठीक है? तो हम तो 2003 आएगा, 2000 के बाद 3 से स्टार्टिंग करेंगे, पहले वाला कभी नहीं लेना याद रखिएगा, क्योंकि एक साल तभी कंप्लीट होगा जब हम 2003 पे पहुंचेंगे, ठीक है? चल यहाँ तक का है डेटा। नॉर्मल ईयर में एक दिन शेष बचता है, लीप ईयर में दो होते हैं, इतना तो सबको पता ही है। तो टोटल हमारे पास कितने दिन शेष आ रहे हैं? 5 दिन। आंसर वही होगा जो हम 5 जोड़ के निकालेंगे। तो मंडे में 5 जोड़ोगे बेटा तो संडे नहीं आएगा, सैटरडे आएगा यार। जिसमें जोड़ते हैं उस दिन को इंक्लूड नहीं करते हैं, जिस दिन में जोड़ते हैं उस दिन को इंक्लूड नहीं करते हैं। अगर मंडे में जोड़ रहे हैं 5, तो मंडे नहीं जोड़ेंगे, ट्यूसडे से काउंट करेंगे। ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 5 बार काउंट कर लीजिए, ठीक है? सैटरडे आएगा, संडे गलत हो गया। क्लियर है? बताइए। और गाइज इसके बाद आज लॉजिकल वाली क्लास है अपनी, लॉजिकल वेन डायग्राम्स जो पेपर में आते हैं 3 से 4 मार्क्स के, ठीक है? टॉपिक वाइज जो इसके बाद क्लास रहती है 10 बजे वाली, उसमें आज लॉजिकल वेन डायग्राम्स हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? 10 PM से रहेगी, फ्री क्लास है अनअकैडमी ऐप पर, जिसका लिंक आपको यहाँ दिया गया है। रेडी हैं सभी लोग? इसी के बाद है 10 बजे से फ्री क्लास, यहाँ पे लिंक दिया हुआ है, और टेलीग्राम पे भी मैं लिंक शेयर करूँगी अभी 10 बजे से, ठीक है? तो जुड़िएगा अगली क्लास में जो 10 बजे होती है हमारी टॉपिक वाइज, ओके? सारे लोग जुड़िएगा, मतलब अगर दो दो बार टॉपिक करने का मौका मिल रहा है तो छोड़ना नहीं चाहिए, है ना? यहाँ पे भी टॉपिक पढ़े, अगले क्लास में भी पढ़े, पेपर भी हैं, चल ही रहे हैं, तो हमें पूरे टॉपिक्स अपने टाइम से क्लियर कर लेने चाहिए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? एक दो क्वेश्चन और करते तो और समझ में आएगा। चलिए देखते हैं, अगर पूछा गया है मान लो 26 फरवरी, ठीक है, 2008, है ना? अब इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा, आप लोगों को ध्यान रखिएगा, ठीक है? एक सेकेंड, अभी अलग अलग वाला भी करवाऊंगी, ठीक है? अभी अलग अलग वाला भी करवाऊंगी, जब अलग अलग डेट्स होगी, अलग अलग मंथ होंगे, तब कैसे निकालेंगे वो भी करवा देंगे, चिंता नहीं करो। चलो इसका बताओ, चलो जल्दी जल्दी बताना आंसर। हो गया, स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? यहाँ से, लेकिन पहले वाला कभी लेते नहीं, उसके बाद वाला जितने भी हैं वो ले लेंगे, ठीक है? तो आपने 2006 से स्टार्टिंग किया, फिर 2007 पड़ेगा। ये मैं लिख लिख के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको अभी समझा रही हूँ, आप लोग ये उंगलियों पे काउंट कर सकते हो, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ये तरीका पता चल गया, आप उंगलियों पे काउंट कर लो, तो यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे भी एक आएगा, ये लीप ईयर है तो 2 आएगा, बाकी सभी में एक आएंगे, तो आपके पास आ रहे हैं 6 जोड़ो भैया, 6 जोड़ दीजिए, मंडे में 6 जोड़िए तो संडे आंसर आएगा। हाँ तो भाई संडे मना लो सारे लोग, ठीक है? चलो अब डेट अलग होगी तो कैसे निकालेंगे वो भी अभी सीख लेते हैं। चलिए पहले इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए आप लोग मुझे, ये तीसरे तरीके का है, ठीक है? दिन बाद पूछता है, इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। हाँ अब संडे आया तो आप संडे आंसर नहीं दे रहे, जब जो आता है तो वो आंसर तुम लोग देते नहीं हो, दूसरे टाइम पर दूसरा आंसर दे देते हो, ठीक है? अब मंडे आंसर दे रहे हो, धुक्केबाजी मत करो भाई। सोमवार का दिन है, इतने दिन बाद, मान लो पूछा जाए आपसे कि 20 दिन बाद कितने दिन होंगे, है ना, या 40 दिन बाद कितने दिन होंगे, या 50 दिन बाद, 60 दिन बाद, 100 दिन बाद, 150 दिन बाद, तो कैसे करते हैं? इसका बड़ा सिंपल तरीका है कि जितने भी दिन दिए उसे 7 से डिवाइड करके वहाँ और डेज निकाल लो, ठीक है? 7 से 63 कट जाता है, एक ही बचता है सिर्फ, तो वही आंसर होगा जो मंडे में एक जोड़ने पर आएगा, यानी कि ट्यूजडे। कितने भी दिन का पूछा है, इतने दिन बाद, तो वही आंसर होता है, ठीक है? हाँ, जो यहाँ पर ऐड करने के बाद आएगा, ठीक है? अब अलग अलग डेट्स, जैसे यहाँ पे अलग डेट्स दी गई हैं, देखो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आप लोग के लिए, आसान हो जाएगा। 12 जून 2017 को आपसे पूछा गया है, शनिवार था, सैटरडे,
आपको बताना है पाई शून। अब डेट अलग हो गई, देखो अभी मंथ भी अलग करेंगे हम लोग, अलग अलग वाला भी करेंगे, ठीक है। चेक करो क्या आंसर आएगा यहाँ पे। 12 जून को दिया गया है और आपको पूछा गया है कि 22 जून को कौन सा दिन होगा। हाँ हाँ भैया, इसके बाद वाली क्लास अगली क्लास में करेंगे हम लोग, ठीक है। इसके बाद अगले क्लास में टॉपिक वाइज 10 बजे से रहेगा। आज का टॉपिक है लॉजिकल वेन डायग्राम्स, आप लोग पढ़ सकते हैं, एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, लिंक आपके यहाँ पे दी गई है, ठीक है। इसी के बाद फ्री क्लास है अनअकैडमी ऐप पर, यहाँ पे लिंक दे रखा है, इस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम पे भी मैं लिंक शेयर करूँगी अभी। चलो बताओ क्या आंसर है इसका। गुड इवनिंग, थोड़ा सा जल्दी आने की कोशिश करें, 9 बज रहे हैं, 9 बजे का टाइम रहता है, 9:30 बज रहे हैं, ज़्यादा ही बज रहे हैं बल्कि, टाइम से क्या आंसर आएगा। देखो सबसे पहले पहले वाली डेट को, अच्छा ये बताओ मुझे, आगे की डेट पूछ रहा है पीछे की डेट पूछ रहा है ना, ये आगे की डेट पूछ रहा है पीछे की, ये सबसे पहले पहचानना ज़रूरी है। कुछ बच्चे यही नहीं समझ पाते कि डेट आगे की पूछी जा रही है, फ्यूचर वाली या पीछे वाली, आगे की पूछ रहा है ना, 12 की देखे 22 की पूछ रहा आगे। तो पहले वाली डेट को इंक्लूड मत करिए, घटा दीजिए इसमें से, 22 में से अगर 12 को घटाया, 10 दिन बचे। अब और बताओ 7 से डिवाइड करके कितने दिन बचे, फाइनली 3 दिन बचेंगे, 7 तो कट गया, तो आंसर वही आएगा जो सैटरडे में 3 जोड़ने पर, संडे मंडे ट्यूसडे इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही आप लोगों ने दिया, ठीक है। आगे की हाँ आगे की डेट पूछ रहा है, घटा दीजिए, शेष दिन निकालिए और जोड़ दीजिए, आंसर आएगा, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग थोड़ा सा और इसको एलाबरेट करते हैं, है ना, चलो कुछ अलग अलग क्वेश्चंस और निकालते हैं जिससे आपकी और प्रैक्टिस बन जाए। आगे की डेट पूछा जा रहा है, मान लो अगर आपसे पूछा जा रहा है 10 अप्रैल को, अब देखो मंथ भी अलग कर रहे हैं, ठीक है, मंथ भी अलग, और अभी ईयर भी अलग कर देंगे अपन, डेट भी अलग हो गई, मंथ भी अलग हो गया। चलो बताओ 10 अप्रैल को ये है तो 15 जून को कौन सा दिन होगा। 10 अप्रैल को मान लीजिए मंडे का दिन दिया है, तो 15 जून को कौन सा डे दिया जाएगा, बताइए कौन सा डे आएगा। अरे भाई कोई ब्लॉक नहीं है, सब ठीक है, ब्लॉक होता तो तुम कभी कमेंट कर ही नहीं पाते, कोई ब्लॉक नहीं है, सब चल रहा है, ठीक है, ब्लॉक होता तो कमेंट नहीं कर पाते कभी भी, नहीं है कोई ब्लॉक, सब चल रहा है बढ़िया, कोई ब्लॉक नहीं है। अब हर सवाल का जवाब दिया जाएगा, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है कि सभी के सभी कमेंट्स का जवाब देंगे तो पढ़ाएंगे कब, है ना, कोई ब्लॉक नहीं है, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, डोंट वरी। चलो इसका आंसर सही तरीके से बताइए, गलत मत करिए, एक सवाल है तो जवाब भी एक ही होता है, अलग अलग आंसर्स नहीं आने चाहिए, एक ही आंसर आना चाहिए, राइट। देखिए जब भी मैंने कहा आगे की डेट निकालनी है तो पहले वाली डेट को हम कभी कंसिडर नहीं करते, लिख लीजिए ये तरीका। देखो यार रट्टा मारोगे कभी कैलेंडर नहीं बनेगा, जिंदगी में बता रही हूँ, क्योंकि कैलेंडर का कोई फॉर्मूला है ही नहीं रटने का, सिर्फ प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ भी करते हैं, इसके बाद वाली क्लास में भी हम टॉपिक ही पढ़ाते हैं, 10 बजे भी आज क्लास है टॉपिक वाइज वाली, लॉजिकल वेन डायग्राम पढ़ाऊंगी, वो भी पढ़ लेना, ठीक है। हाँ ये क्लास डेली चलता है, रात को 9 बजे चलता है और इसी के बाद 10 बजे चलता है ऐप पर क्लास बिल्कुल फ्री, और 10 के बाद 11 बजे चलता है रात को, और सुबह भी चलता है 11 बजे, तो 10 बजे ऐप पर है बिल्कुल फ्री। आज का सेशन है वहाँ पे लॉजिकल का, ठीक है, लिंक आपके कमेंट सेक्शन पे ऊपर ब्लू कलर की दी गई है, जहाँ आप लोग कमेंट्स कर रहे हो, है ना, ओके। और टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, है ना, लिंक टेलीग्राम पे भी डाल दूंगी जैसी अभी क्लास स्टार्ट होगी वैसे। तो जब हमारे टॉपिक्स चल रहे हैं तो आप ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन करा करो, एक बार कॉन्सेप्ट सीख लोगे तो बनने लगेगा, क्योंकि सवाल आते ही हैं, ठीक है, ओके। आगे बात समझ में, ये देखो कुछ लोग गूगल सर्च कर रहे हैं। अच्छा एक बात और बता दो, कुछ लोग कह रहे हैं गूगल के अकॉर्डिंग आपके कुछ गलत हैं, गूगल वाले महा बेवकूफ़ हैं, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, फिर से गूगल वाले महा बेवकूफ़ हैं, ठीक है, महामूर्ख हैं, जो कह रहे हैं ना गूगल के अकॉर्डिंग आपके कुछ गलत हैं, महामूर्ख हैं वो लोग, ठीक है। पहली बात तो गूगल में डेट सही तब आएगी जब हम लोग यहाँ सही डेट लिख रहे होंगे, ठीक है, गूगल में सर्च कर ही क्यों रहे हो बेवकूफ़ भाई, सही आएगा ही नहीं, क्योंकि ये हाइपोथेटिकल है, हमने सपोज करी है कि मान लो अगर ऐसी डेट हुई तो आंसर क्या निकलेगा, गूगल में सिर्फ वही डेट सही होगी जो हम रियल डेट्स निकालते हैं, राइट, जो हम लोग निकालते हैं ना, जैसे 15 अगस्त को कौन सा दिन था या 20 मार्च को पर्टिकुलर कौन सा दिन था, किसी की बर्थ डेट निकालनी हो वो वाला जब तरीका हम करते हैं वो डेट सही होती है, ये वाली डेट्स कभी सही नहीं होंगी, ठीक है। तो गूगल महाले जो महा बेवकूफ़ यहाँ क्लास में आए हुए हैं उनको मैं बता दूँ, बार बार बताना पड़ रहा है,
थोड़ी देर पहले भी बताया था, फिर से वही काम कर रहे हो, है ना। ये जो डेट दी गई है वो सपोज़ करिए ये सही है या नहीं, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। अगर ये सही होगी तो आंसर भी सही आएगा, और अगर ये गलत होगी तो फिर गलत दिखा रहा होगा गूगल में। 10 अप्रैल 2001 को मंडे है या नहीं पता नहीं है, मैंने अपने मन से लिख दिया है, ठीक है मेरे भाई। ये पता नहीं है मुझे, अपने मन से लिखे हुए डेट से मन से बना रही हूँ मैं अपने क्वेश्चन, तो गूगल पे मत चेक करो। वहाँ बेवकूफ़ क्लास में आते हैं, बताओ, इतना भी समझाना पड़ता है, बार बार बोलना पड़ता है ना। कैलेंडर में आप गूगल मैच करिए ही मत भाई, गूगल में तो गलत ही बताएगा क्योंकि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ओके, फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं, जाने दो गूगल बाबा लोगों को, गूगल करने दो। चलिए गाइस, जब हम लोग आगे की डेट निकालते हैं तो तरीका ये होता है कि आप लोग पहले वाली डेट को कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे, यानी 10 दिन अप्रैल के जो होते हैं वो निकल चुके हैं। अब अप्रैल में जितने बचे हुए हैं हमें वो लेना है। कितने बचे अप्रैल में ज़रा बताओगे? अगर 10 दिन चले गए तो अप्रैल में कितने बचेंगे चेक कर सकते हो? शेष दिन कितने बचेंगे? हाँ, अब कैलेंडर पढ़ाने आया करेंगे ना, तो यहाँ ऐसे अपने माथे पे लिख के लाया करेंगे, एक ऐसा बैनर यहाँ बोर्ड चिपका लेंगे, कृपया गूगल ना करें। क्योंकि महान लोग आते हैं ना क्लास में, कुछ लोग पहली बार आके होशियारी मारने लगते हैं, चेक करें मैडम कहीं गलत तो नहीं पढ़ा रही हैं, पता ही नहीं है कि मैडम कितने सालों से पढ़ा रही हैं, है ना, तो गलत क्यों पढ़ाएंगी भाई। मैडम ऑल इंडिया लेवल पर पढ़ा रही हैं तो गलत पर थोड़ी ना पढ़ा रही होंगी। सही है ना, बोर्ड चिपका के लाना पड़ेगा। चले, क्या हुआ इस वाले का पता चला? यस, वेरी गुड यार, अप्रैल में 30 डेज होते, 10 चले जाएंगे तो 20 बचेंगे। अब अप्रैल के बाद सीधे जून पे मत पहुंच जाना, बीच में भी कुछ महीने रहते हैं। मई आता है पहली बात, तो मई में 31 डेज होते हैं, फिर जून आएगा, तो जून में उतने ही दिन लेने जितना पूछा गया है, डिवाइड कर लो। अब इसका तरीका मैंने सबसे स्टार्टिंग में समझाया था, इसका तरीका मैंने आपको सबसे स्टार्टिंग में समझाया था कि जब ऐसे ऐड करने वाला होगा तो यहाँ जोड़ना मत, टाइम आपका वेस्ट होगा, डायरेक्टली काट लेना, ठीक है। अगर 7 को हम 20 से काटेंगे 14 चले जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ 28 चले जाएंगे, 3 बचेंगे, यहाँ 14 गए, 1 बचा, फाइनली आपके पास बच रहे हैं 10/7, तो 3 बचेगा। आंसर क्या आएगा? मंडे प्लस 3, सभी का यही आ रहा था क्या? ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आ रहा था क्या सभी का यही हो रहा है ना? हाँ ठीक है, 3 जोड़ लो, मंडे में 3 जोड़ लो, वही आंसर आएगा, ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे आंसर आ जाएगा। अब यार कौन से महीने में कितने दिन होते हैं वो तो पता ही होगा आप लोगों को, छोटे में सीखा था, जनवरी में 31, फरवरी में 28, मार्च में 31, अप्रैल में 30, ऐसे सीखते थे, वही वाला तरीका काम आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन मैं दे रही हूँ आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करिएगा, गलत मत करना। मान लीजिए 10 जुलाई को संडे दिया है तो आपको बताना है 10 अक्टूबर को कौन सा दिन होगा, निकालिए फटाफट से, गलत मत करिएगा, ये तो पता ही होना चाहिए यार। सिर्फ अप्रैल जून सितंबर में होते हैं 30, अप्रैल जून सितंबर नवंबर में, बाकी सभी में 31 होते हैं। सात को 20 से डिवाइड करने पे 9 क्यों आएगा भाई शिवानी जी? जितना बच रहा है बेटा, जितना बच रहा है, 7 के टेबल में 14 चला जाता है, बच रहा है जो 14 गया तो 6 बचेगा। हम सिर्फ बचे हुए दिन लिख रहे हैं, शेष दिन और डेज लिख रहे हैं, ठीक है, बचे हुए डेज लिख रहे हैं, शेष दिन लिख रहे हैं। हो गया, चलो 10 जुलाई इसको काट देना, इसको नहीं लेना है अपन को। जुलाई में 31 डेज होते हैं सभी को मालूम है, अगस्त में भी 31, तो यहाँ पे बचेंगे 21। जुलाई के बाद अगस्त आएगा 31 डेज, सितंबर आएगा 30 डेज का होता है, फिर अक्टूबर, अक्टूबर में सिर्फ यही डेट लेनी है जो पूछी गई है। कितना शॉर्ट तरीका है, 7 से डिवाइड कर दो। क्या आ रहा है, गलत आ रहा है क्या सबका? 21 पूरा कट गया, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ 7 कटेंगे 3 बचेंगे, यहाँ 28 चले गए 2 बचेंगे, यहाँ 28 चले गए 3 बचेंगे, 3 × 3 = 6 और 2 8 बच रहे हैं, 8 को भी 7 से डिवाइड करते हैं तो 1 बचता है, बचा हुआ लिख रहे हैं हम सिर्फ। संडे प्लस 1 बराबर मंडे आएगा, मंडे कितने लोगों का आ रहा था? देखो यार, सवाल एक है तो आंसर भी एक होगा, अलग नहीं होगा, ठीक है, बिल्कुल मंडे विल बी द राइट आंसर, है ना। आप पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, देखो पूरा पूरा लिखा रहता है। ये बताइए कि 15 अगस्त 2001 को
मान लेते हैं कि संडे था, बोल भी रही हूँ मान लेते हैं तो भी नहीं सुनते हैं, गूगल चेक करने लग जाते हैं, 17 दिसंबर को तब कौन सा दिन होगा, निकालिए। लाइक भी करते जाओ, देखते साथ लाइक भी करते जाइए सारे लोग। देख, और आज किसके बाद वाली क्लास है जो और भी बेस्ट क्लास होने वाली है, बहुत ही बेस्ट, टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे लॉजिकल वेन डायग्राम के, जो अभी पेपर में पूछे जा रहे हैं सारे के सारे। 10 बजे से क्लास है, ऐप पर लिंक ऊपर लगी हुई है और टेलीग्राम पर भी मैं दे दूँगी। टेलीग्राम का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल, सर्च कर लीजिए, चैनल का नाम है टेलीग्राम का, ठीक है। 10 बजे इसी के बाद क्लास है, फ्री वाली 10 PM से अनअकैडमी ऐप पर होगी, ठीक है। डेली होती है कॉन्सेप्ट वाइज, आज भी है। क्या आया भैया, आंसर निकालो, आ रहा है कुछ? हाँ, अब शांत हो गए, अब नहीं देखेंगे गूगल, अब जिंदगी में कभी गूगल नहीं देखेंगे। सही है ना, तुम लोग यार गुस्सा करवा देते हो, यार गुस्सा दिलवा देते हो बहुत जोर से, इतनी मेहनत से पढ़ाओ ऊपर से गुस्सा दिलवाते हो तुम लोग यार। राइट, चलिए 15 तारीख को हटा दीजिए, डिलीट कर दीजिए। अगस्त में बचे 16 दिन, क्योंकि अगस्त में होते 31, ठीक है। अगस्त के बाद यहाँ तक अगर जाना है तो सेप्टेम्बर पहले पड़ेगा, फिर अक्टूबर पड़ेगा, फिर नवम्बर पड़ेगा, दिसंबर में 17 दिन लेने। इतना सबका आ रहा था कि यस और नो कर दीजिए, क्या ये सबको आ रहा है? हाँ, ये क्लास डेली चलती है रात को 9 बजे। हाँ भाई, डेली चलती है रात को 9 बजे के टाइमिंग पे। वर्षा जी थोड़ा सांस ले लो बेटा, वो भी कराएंगे अभी, थोड़ा सांस तो लो, सांस ले लो बेटा, हर तरीके का, लाइन से चल रहे ना अपन, सारे तरीके कराएंगे, टेंशन वाली बात नहीं, सांस ले लो थोड़ा बस। इतना आ रहा था सबका, डिवाइड कर लो फिर 7 से। देखो यहाँ मैं एक बार फिर से काटना सिखा रही हूँ, 7 से जो कटता है उसे काट देते हैं, जो बचता है सिर्फ वही लिखते हैं। 7 की टेबल में 14 आता है, कट गया, 2 बचेंगे। 28 आता है 7 की टेबल में, 30 में से कट गया, कम वाला लेते हैं हमेशा। इधर 28 कटे, 3 बचे, इधर 2 बचे, 14 चले गए, 3 बचे, कितने बच रहे फाइनली चेक करो, 12 डिवाइड बाई 7, एक और बार कट जाएगा, 7 कट जाएगा, 5 बचेगा, आंसर क्या आएगा? संडे में 5 जोड़िए, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे आंसर होगा। कितने लोग का आ रहा था फ्राइडे? सबका आना चाहिए, ठीक है, ओके। चलो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ठीक है, अभी और क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिए, बस ध्यान देते जाइए, पढ़ते चलिए लाइन से, और क्लियर हो जाएगा। चलिए, अब सब अलग हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 15 नवंबर अब ईयर भी हम अलग करने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका ईयर भी अलग हो गया, देखो। चलो बताओ, अब देखो ईयर भी अलग हो गया आपका, निकालिए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। हो गया डन, तरीका वही आपका, आगे का डेट पूछ रहा है, ठीक है, पीछे का डेट पूछता है तो माइनस कर देते, तरीका सेम रहता है। कैसे करें? 15 नवंबर यहाँ से काउंट करना शुरू करेंगे, 15 दिन हटा दीजिए, नवंबर में सिर्फ 30 दिन होते हैं, तो 15 बचे। नवंबर के बाद भूल मत जाना, दिसंबर भी आता है, पता चले डायरेक्टली यहाँ पहुँच गए,
दिसंबर में 31 डेज होते, फिर जनवरी आएगी अगले साल की तो उसमें भी 31 डेज होंगे, फिर फरवरी का 23वां दिन पूछा गया है, राइट। ये होगा आपका छोटा सा कैलकुलेशन, हो गया। 14 चले गए, एक बचा, यहाँ 28 चले गए, तीन तीन, यहाँ 21 चले गए, दो बच रहे। फाइनली आपके पास बचेंगे 9/7, यानी कि दो और बच जाएंगे। तो संडे में दो जोड़ दो ना, ट्यूसडे आ जाएगा, सभी कह रहा है ट्यूसडे। अब बताओ ऐसे वाले सवाल सीख जाओगे, कर लोगे ऐसे वाले सवाल सीख जाओगे, ऐसे वाले कर लोगे। एक दो और करते हैं तो और समझ में आएगा, ठीक है। अब मान लो बीच में कुछ एक आध साल का गैप होगा तब कैसे करेंगे, है ना। 5 दिसंबर फिर से मैं एक बार करवा रही हूँ, आप लोग ध्यान से देखना, सवाल को थोड़ा ध्यान से देखना ज़रूरी है, ठीक है। कर लोगे ना, निकालिए, ध्यान से देखिएगा सवाल को, बार बार कह रही हूँ इसीलिए ध्यान से देखिएगा। दिसंबर में 31 होते बेटा, तुम लोग पहले यही सीख कर आना, कल का तुम्हारा होमवर्क यही है। इस क्लास में आओगे जब रात को 9 बजे, तो पहले तुम लोग यही सीख कर आना कि कौन से महीने में कितने दिन होते हैं। दिसंबर में 31 होते हैं, याद कर, भूल गए 31 को पार्टी करते हो न्यू ईयर की। पार्टी कर लेंगे लेकिन याद नहीं रहेगा कि कितने दिन होते हैं। हो गया ये वाला, देखो यार कितनी जल्दी 10 बज गए, जब कुछ अच्छा पढ़ा रहे होते हाल टाइम चला जाता है ना। हाँ, इसके बाद क्लास है 10 मिनट्स बाद, 10 PM वाली, उसमें भी हम टॉपिक कराएंगे लॉजिकल वेन डायग्राम, ऊपर लिंक लगी हुई है, ज्वाइन कर लीजिएगा सारे लोग, ठीक है। डेली चलती है, फ्री क्लास है, ऐप पर होती है, अनअकैडमी पे, इसी के बाद है, ठीक है। पूरा टाइम आप फटक से चला गया, आज तो टाइम का पता ही नहीं चला। करिए भाई इस सवाल को जल्दी से, हो गया, डन। क्या रहा है सब लोग एकदम फाइनल आंसर बताओ, तुक्केबाजी मत करो, फाइनल बताओ एकदम। देखिए एक्चुअल में यहां से स्टार्ट कर रहे हैं, दिसंबर में 31 डेज होते हैं, उसमें से 5 घटा दो तो 26 दिन बचेंगे भाई। अब हम इस वाले साल पे जा रहे हैं, जनवरी 31 की होती, फरवरी कितने की होगी भैया इसमें, यहाँ यहीं पे गड़बड़ हो गई, झोल कर दिया तुम लोगों ने, है ना, यहीं पे गड़बड़ हो गई, राइट। इसमें फरवरी कितने की होगी चेक करो, 2012 लीप ईयर होता है, फरवरी में 29 दिन होते हैं, 29 डेज होते हैं, ठीक है। अगर लीप ईयर की फरवरी होती, वैसे तो 28 होते हैं लेकिन अगर फरवरी लीप ईयर की होती है तो 29 डेज होते हैं, ठीक है, है ना। तो यहीं आप लोगों ने लगता है गड़बड़ कर दिया, कुछ लोगों ने 28 ले लिया होगा, कुछ लोगों ने 29 ले लिया, इसलिए गड़बड़ आ रहा है। 29 लेने पड़ेंगे, मार्च में 31 होते हैं फिक्स है, और अप्रैल में 5 लेना है, 5 पूछो, डिवाइड करो 7 से, ठीक है, काटो, यहीं गड़बड़ कर दिया आप लोगों ने। हाँ यहाँ 21 चले जाएंगे, 5 बचेंगे, यहाँ 28 चले जाएंगे, 7 से काटने पर 3 बचेगा, यहाँ 28 चले जाएगा तो 1 बचेगा, यहाँ 28 चलेगा तो 3 बचेगा, यहाँ 5 ही रहेंगे, जोड़ो भैया, 5 5 10 7, 17 बच रहा है, 17 को भी 7 से भाग देने पर 7 14 चला जाएगा तो 3 बचेगा, राइट। आंसर अब मैं बताती हूँ क्या होगा, 3 जोड़ो, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे आंसर जिन्होंने दिया उनका राइट है, वेडनेसडे गलत था, वेडनेसडे वालों ने वही गलती करी है, फरवरी 28 दिन की ले ली है इसलिए गलत हो गया है, ठीक है, आप क्लियर कर लीजिएगा। हाँ आप लोगों ने 28 की फरवरी ली थी ना, इसलिए गड़बड़ हो गई। अब ध्यान रखना कि लीप ईयर अगर आएगा तो 29 की फरवरी लोगे, क्लियर है सभी लोगों को, बता दीजिए। हाँ थर्सडे आएगा इसका आंसर, ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, हाँ हाँ। अगली क्लास की लिंक टेलीग्राम पर ज़रूर डालूंगी, बिल्कुल डालूंगी, ये तो हो ही चुका है, ठीक है। अब ऐसा ही एक और सवाल करना, अगले क्लास की लिंक टेलीग्राम पे भी डालेंगे और यहाँ तो लगी हुई है 10 बजे, टेलीग्राम पे भी डाल देंगे, रितिका तोमर ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है, चलो इसको करो जरा।
बिल्कुल पिछले जैसा ही है, जैसे अभी तक कराया है वैसा ही है। ये लगी है लिंक आपके ऊपर कमेंट सेक्शन पे। हो गया, चलिए बताइए भाई क्या आ रहा है इसमें। यार एक जनवरी का दिया था, एक फरवरी का पूछा था, ईयर सेम था इसमें, अलग नहीं है। तो पहले वाला कभी लेते ही नहीं है, बताया गया ना पहले वाला नहीं लेते। जनवरी के 30 बचेंगे, फरवरी का एक दिन बस, पहली डायरेक्ट पूछी गई है, 7 से डिवाइड करो। ये तो छोटा था यार, यहाँ 28 चले गए, 2 बचे, कुल मिलाकर 3 बचेंगे। आंसर क्या आएगा, सोमवार में 3 जोड़िए, इसका आंसर फिर से गुरुवार आ गया। लो बताओ कितना ईजी था, अब तो ईजी हो गया ना। चलो ठीक है, एक और करो, ये थोड़ा बड़ा है, लंबा है, चेक करो इसको, है ना। ऊपर लिंक लगी हुई है अनअकैडमी क्लास को ज्वाइन करने के लिए, ऊपर लिंक लगी हुई है ब्लू कलर की, जहां आप कमेंट्स कर रहे हो। अदरवाइज़ मेरा टेलीग्राम चैनल है रितिका तोमर ऑफिशियल, वहां ज्वाइन कर लो, वहां भी लिंक आएगी, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। या फिर डायरेक्टली अनअकैडमी पर मेरा नाम सर्च कर लो, रितिका तोमर सर्च करिए, क्लास मिल जाएगी लाइव 10 बजे से। ये मेरा नाम है टेलीग्राम का, चैनल का नाम है रितिका तोमर ऑफिशियल। फरवरी 28 की होती है बेटा, एक दिन जब ऐड होता है तो 29 की हो जाती है। फरवरी हमेशा 28 की होती है, इतने बड़े हो गए, इतने साल के, 20 साल के तो हो गए ना कम से कम, मिनिमम मान के चलो तो, है ना। आज तक ये नहीं पता करा कि फरवरी में कितने दिन होते हैं, 28 होते हैं, और जब लीप वाला जुड़ता है तो 30 नहीं हो जाते, 29 हो जाते। फरवरी में कभी किसी साल में 30 नहीं होते, 28 होते नॉर्मल में, एक जुड़ जाता है तो 29 हो जाते हैं, ठीक है। सही में यार क्या बोलें, तैयारी कर रहे हैं ये लोग। चलो हो गया, पिछले वाले में लीप ईयर क्यों नहीं ऐड हुआ, अरे 1 फरवरी को थोड़ी लीप ईयर ऐड होगा, जब आगे जाएंगे 29 तब आएगा। यहाँ तो 1 तारीख तक का पूछा गया था, 1 तारीख तक का, तो इसमें थोड़ी ना ऐड होगा। अगर थोड़ा आगे जाते, मान लो मार्च का पूछा जाता तब फरवरी ऐड होता, यहाँ तो 1 फरवरी, 29 फरवरी बाद में आती है, तो इसमें 29 फरवरी थोड़ी जुड़ेगा, जब मार्च का पूछा जाता तब जुड़ता है, 1 फरवरी तक पूछा गया था तो थोड़ी जुड़ेगा, हमेशा थोड़ी जुड़ता है। चलिए नेक्स्ट, इसका आया समझ में। चलो कोई बात नहीं, यहाँ से स्टार्ट करिए अप्रैल। अब यहाँ भी फरवरी नहीं जुड़ेगा, अप्रैल से स्टार्टिंग है, अप्रैल में 19 हटा दिए तो 11 बजे, ठीक है। मई 31 होते हैं, मई में फिक्स है, जून में 30 होते हैं फिक्स, जुलाई में 31, अगस्त में भी 31 फिक्स होते हैं, फिर सेप्टेम्बर में कितने पूछे गए, 26। ये आया समझ में सभी को, येस और नो बता दीजिए, ये यहाँ पर कोई डाउट है तो बता दीजिएगा। अच्छा ओके ठीक है, 9th में पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ते रहिए, आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, कोई बात नहीं। इतना आया था कि कोई चेंजेस हुआ है यहाँ पे, किसी का कोई गलत हुआ, चेक करो, इतना आ गया क्या सभी का, वेरी गुड, ठीक है। तो फिर अब 7 से डिवाइड कर लो, और क्या है ना, जो टेन्योर दिया रहता है ना, जैसे ये वाला टेन्योर और उसके बीच का ही लेना होता है, आजू बाजू का नहीं, ना उसके पहले का ना उसके बाद का, उसके बीच का ही लेना होता है, जितना यहाँ से लेकर वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक इतना लेना होता है। तो बताओ भाई 11 चले गए, 7 कट गए, 4 बचे, यहाँ 28 कट गए, 3 बचे, यहाँ 28 कट गए, 2 बचे, यहाँ 3 बचे, यहाँ 3 बचे, और यहाँ 21 चले गए तो 5 बचे, राइट। आपके पास बचेंगे 20/7, 14 चले जाएंगे, 6 बचेंगे, तो शनिवार में 6 जोड़ोगे ना, फ्राइडे आंसर आएगा, जोड़ के देख लो भले, ठीक है। हाँ ये वाली क्लास रोज़ 9 बजे चलती है, आप लोग थोड़ा लेट हो जाते हो, अगर जल्दी आते हैं तो थोड़ा सा और सीखने को मिलता, ठीक है, आ गई बात समझ में। हाँ बहुत ही बढ़िया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दे रही हूँ यहाँ पे होमवर्क में करने के लिए,
अच्छा इसके अब आज वाला रिवाइज करके आना, इसके बाद वाला हम कल करेंगे इसी क्लास में कंटिन्यू, ठीक है। अभी हम लोग यहाँ पे करने जा रहे हैं अगले क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जुड़ने जा रहे हैं, वो भी हम टॉपिक वाइज ही करेंगे। 10 बजे से है वो फ्री क्लास, ज्वाइन कर लीजिए वहाँ सारे लोग, ठीक है। सभी लोग ज्वाइन कर लो। आज का टॉपिक रहेगा लॉजिकल वेन डायग्राम्स पढ़ेंगे, लॉजिकल वेन डायग्राम्स, ठीक है। क्लास बिल्कुल फ्री है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको हम कल करेंगे, इसको कल कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो बताइए भाई, ये जो लिंक है दिख रही है सभी को? सारे लोग लाइक कर देना पहले तो सेशन को, जितने भी लोग देख रहे हैं सभी लोग लाइक कर दीजिए। और ये जो लिंक दिख रही है इस पर क्लिक करें और अगली क्लास में ज्वाइन करें, क्लास बिल्कुल फ्री है। दूसरा तरीका बता देती हूँ कैसे ज्वाइन कर सकते हो आप लोग। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चलाते हो ना? टेलीग्राम अगर आप चला रहे हैं, डायरेक्टली ऐप चलाते हो तो ये चैनल है, सर्च कर लो और ज्वाइन कर लो, ठीक है। फ्री क्लास है, सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, रितिका तोमर ऑफिशियल, इस पर ज्वाइन करेंगे आप लोग, यहाँ भी आपको लिंक मिल जाएगी। तो सारे लोग ज्वाइन करो, इंपॉर्टेंट क्लास है, एग्जाम ओरिएंटेड में वहाँ पे भी पढ़ाती हूँ और सारे टॉपिक्स करवाती हूँ, ठीक है। अगर आपसे कोड पूछे, डायरेक्टली सर्च करना है अनअकैडमी पे, डायरेक्टली सर्च कर लो। अगर आपसे कोड पूछता है मान लो क्लास में जाने के लिए, तो आप ये कोड लगा सकते हैं मेरे नाम के साथ, 10, रितिका 10, रितिका 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। रितिका 10 स्पेस मत दीजिएगा, ओके। तो क्लास को ज्वाइन करें सारे लोग, है ना, फटाफट से। अच्छा नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो यहाँ अगर आप कोर्सेज ज्वाइन करना चाह रहे हो अनअकैडमी के, तो ऑलरेडी आपके पास ये सारे फीचर्स मिलेंगे आपको, कोर्सेज पे ये सारे फीचर्स आपको मिलेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। और रितिका 10 कोड लगा सकते हो डायरेक्टली, यहाँ से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। लेकिन अभी की फ्री क्लास को ज्वाइन करने के लिए भी आप यही कोड लगाएंगे, है ना। वीडियो को एंड तक लाइक शेयर कर दो, ठीक है। और हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। और अभी अगली क्लास 10 बजे से है, अभी सारे लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, जिससे आपके पास सीधे सीधे लिंक आ जाएगा, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ो सारे लोग फटाफट से, इसको कल कंटिन्यू करेंगे 9 बजे, ठीक है।